जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ईटीसी होता क्या है, तो ईटीसी के बारे में मैंने जनरल डिस्क्रिप्शन दिया था। इसमें मैंने कुछ 2-3 लाइन डिफिनीशन लिख दिया है थोड़ा और समझने के लिए जिन लोगों को नहीं समझ में आया था। ईटीसी होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें होता क्या है कि एक एक टाइप का ये साइकिल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे कि डिफिनीशन में भी लिखा हुआ है, इट इज़ अ सीरीज ऑफ रिएक्शन विच अंडरगोज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन डोनर टू इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो एक होगा जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, दूसरा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन या इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस का बात है, आप जानते हो कि जब ऑक्सीडेशन होता है किसी भी रिएक्शन में तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। ये मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है कि जब इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा, जब वहाँ पर ऑक्सीडेशन अकर होगा, ऑक्सीडेशन अकर होगा। और ईटीसी होता कहाँ है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था ईटीसी कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है दोस्तों, इसमें दिखाया गया ये जो ग्लूकोज है पाइरूवेट में कन्वर्ट हो रहा है, ये कौन सा साइकिल चला रहा है, ग्लाइकोलिसिस। कौन सी साइकिल, ग्लाइकोलिसिस। और ये ग्लाइकोलिसिस हो कहाँ रही है, ये पूरा क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म में तो पाया जाता है सेल के, तो ये साइटोप्लाज्म में कौन सी साइकिल चल रही है, ग्लाइकोलिसिस, जिसका एंड प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका, पाइरूवेट। ये पाइरूवेट अब कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रियल इनर माइटोकॉन्ड्रियल में जाएगा, और वहाँ पर क्या ये प्रोड्यूस करेगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोएंजाइम ए में। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था, इसमें डायग्राम के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, कोएंजाइम में, ये कोएंजाइम में किसमें, टीसीए साइकिल को इनिशिएट करेगा, मतलब ये सिट्रिक एसिड साइकिल को चलाएगा। जब ये दोनों साइकिल, जब ये टीसीए साइकिल या ये ग्लाइकोलिसिस होती है, तो उसी टाइम उसी समय कुछ एनर्जी, हाई एनर्जी जनरेटिंग मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है, जिन्हें हम FADH2 और NADH के नाम से जानते हैं। इन्हीं NADH और FADH2 का जब ऑक्सीडेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये केवल छोटा सा वीडियो है, केवल डायग्रामेटिकली आपको, जिन लोगों को पुराना वीडियो नहीं समझ में आया था क्योंकि मैंने उसमें केवल थ्योरी बताई थी, थोड़ा मतलब ये डायग्राम के माध्यम से इस वीडियो में मैंने बताया, तो ये डिफिनीसन आप नोट कर लीजिए कहीं पर वीडियो को बार बार चला के, और इसके माध्यम से थोड़ा समझ लीजिए कि ग्लाइकोलिसिस ये सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा है, उसके बाद उसका एंड प्रोडक्ट कहाँ आया, माइटोकॉन्ड्रियल के इनर मेम्ब्रेन में आया, वहाँ पे कोएंजाइम ए के रूप में कन्वर्ट हुआ, कोएंजाइम ए अब क्या चलाएगा, सिट्रिक एसिड साइकिल चलाएगा। इन्हीं दोनों साइकिल के चलते दौरान क्या बनते हैं, हाई एनर्जी जनरेटिंग मॉलिक्यूल बनते हैं, जिन्हें हम FADH2 और NADH के नाम से जानते हैं। इन्हीं NADH और FADH2 का जब ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्टेशन किस साइकिल के अंदर होगा, ईटीसी साइकिल के अंदर होगा। और पुरानी वीडियो में भी मैंने एक चीज़ बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा तो कुछ कैरियर चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन को वहाँ से लें और इलेक्ट्रॉन को दूसरे, मतलब एक चैनल से दूसरे चैनल तक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करें। ठीक है गाइज, तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा ईटीसी पे फोकस करूँगा, अभी फिलहाल ये नोट कर लीजिए। थैंक यू।